नमस्कार लर्निंग मंत्रा के ऑडियो लेक्चर में आपका स्वागत है हमारा आज का टॉपिक है राजनीतिक अवधारणा के अंतर्गत स्वतंत्रता स्वतंत्रता लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा की लाइबर शब्द से बना है इसका अर्थ बंधनों का अभाव होता है स्वतंत्रता आधुनिक काल की अवधारणा है इसका प्रयोग प्राचीन यूनान में केवल आधुनिक अर्थों में हुआ था प्राचीन यूनान में नैतिक स्वतंत्रता आंतरिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक स्वतंत्रता पर बल दिया जाता था सुकरात के द्वारा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सर्वाधिक बल दिया गया सुकरात ने कहा अपने आत्मा की आवाज़ सुनो आधुनिक काल में स्वतंत्रता का सर्वश्रेष्ठ समर्थक विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का श्रेष्ठ समर्थक जेस मिल है इसने पागल और सन की व्यक्ति को भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने का समर्थन किया था मध्यकालीन राजनीति में व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी क्योंकि राजशाही के कारण व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता पर राजा ने प्रतिबंध लगा रखा था आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी क्योंकि सामंतशाही का प्रचलन था और सामंत द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया था धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी क्योंकि पोपशाही के कारण पोप के द्वारा व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वतंत्रता की अवधारणा का जन्म आधुनिक काल में व्यक्तिवादी विचारधारा पूंजीवाद के विकास के स्वरूप हुआ था 1776 के अमेरिकन क्रांति का नारा था स्वतंत्रता समानता और सुखानुसरण जबकि सत्रह के फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता समानता और भाईचारा 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति द्वारा संसद की सर्वोच्चता का समर्थन स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक माना गया मॉन्टेस्क्यू के अनुसार स्वतंत्रता के अतिरिक्त ऐसा कोई दूसरा शब्द नहीं है जिसके इतने अधिक भावार्थ निकाले जा सकें और जिसने मानव के मस्तिष्क पर इतना अधिक प्रभाव डाला हो स्वतंत्रता की रक्षा हेतु मॉन्टेस्क्यू द्वारा शक्ति पृथककरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम द स्प्रिट ऑफ लॉज कानून की आत्मा है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत स्वतंत्रता को अलग अलग विचारकों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया सीले ने कहा स्वतंत्रता अतिशासन का उल्टा रूप है या स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है लॉक ने कहा जहां स्वतंत्रता नहीं है वहां कानून नहीं हो सकता जबकि हॉप्स ने कहा स्वतंत्रता कानून के चुप रहने या मौन रहने में है रूसों ने कहा प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है परंतु वह प्रत्येक जगह जंजीरों में झगड़ा है रूसो द्वारा बाध्यकारी स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया और रूसों ने कहा कि व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता सामान्य इच्छा के नियंत्रण में होती है वहीं स्पेंसर ने कहा प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र है जिसको करने की वह इच्छा रखता है यदि वह किसी अन्य की स्वतंत्रता का हनन नहीं करता हो ग्रीन ने कहा स्वतंत्रता उस कार्य को करने या उन वस्तुओं के उपभोग करने की वस्तु है जिसे वह करने या उपभोग करने के योग्य हैं लोक कल्याणकारी विचारक लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है उन सामाजिक अवस्थाओं के नियंत्रण का अभाव जो आधुनिक सभ्यता में व्यक्ति के सुख के लिए अत्यंत आवश्यक हैं जीडीएस कोल ने स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहा कि बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने का अधिकार ही स्वतंत्रता है लेनिन ने कहा जब तक राज्य है स्वतंत्रता नहीं होगी और जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य नहीं होगा महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ है केवल नियंत्रण का अभाव नहीं होता बल्कि व्यक्तित्व के विकास की अवस्था प्राप्ति को स्वतंत्रता कहते हैं हॉपसन ने कहा एक भूखे व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या अर्थ है जबकि वह स्वतंत्रता को न तो खा सकता है और न ही पी सकता है ऐसे में अलग अलग विचारकों के द्वारा स्वतंत्रता की दी गई अलग अलग परिभाषाओं के आधार पर स्वतंत्रता के कुछ तत्व दिखाई देते हैं जैसे सामाजिक ढांचे को बनाए रखते हुए व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता समान रूप से दी जाएगी जिसका अर्थ है कि स्वतंत्रता के वितरण में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक मानसिक और नैतिक उन्नति का पूर्ण अवसर प्राप्त होना चाहिए और चौथा होगा स्वतंत्रता को सार्थक बनाए रखने के लिए सामाजिक नियमों और राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों का उसके ऊपर तर्कसंगत प्रतिबंध होना आवश्यक है यहाँ पर आशीर्वादम की परिभाषा का उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा आशीर्वादम ने कहा था कि आत्मविकास के लिए वास्तविक अवसर का नाम ही स्वतंत्रता होता है और अब आइए स्वतंत्रता के दृष्टिकोण पर एक नजर डालते हैं स्वतंत्रता के सामान्य तौर पर दो दृष्टिकोण हैं सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है बंधनों का पूर्ण अभाव यह स्वतंत्रता की प्रारंभिक लेनिन के द्वारा अपनी पुस्तक स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में कहा गया कि जब तक राज्य है स्वतंत्रता नहीं होगी और अब आइए बात करते हैं स्वतंत्रता के प्रकार की स्वतंत्रता के प्रकार प्राकृतिक स्वतंत्रता वो है जो व्यक्ति को प्रकृति द्वारा प्रदान किया जाता है राज्य की उत्पत्ति से पूर्व व्यक्ति के द्वारा प्राकृतिक स्वतंत्रता का प्रयोग किया जा रहा था सामाजिक समझौतावादी विचारक स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति राज्य की उत्पत्ति से पूर्व भी प्राकृतिक स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा था रूसो को प्राकृतिक स्वतंत्रता का श्रेष्ठ प्रतिपादक माना जाता है रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा होता है परंतु प्रत्येक जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें तो आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थन उदारवादी विचारकों द्वारा किया जाता है इसलिए इसे व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता भी कहा जाता है एडम स्मिथ के द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता का श्रेष्ठ प्रतिपादक माना जाता है एडम स्मिथ ने लेजेस फेयर या अहस्तक्षेपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा कि राज्य के द्वारा व्यक्ति के कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए मांग और पूर्ति के नियम के आधार पर वस्तुओं की कीमत का निर्धारण अपने आप हो जाएगा इसलिए राज्य उसमें हस्तक्षेप न करें राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करें तो राजनीतिक स्वतंत्रता केवल लोकतांत्रिक देशों में ही पाई जाती है जान लॉक जेएस मिल बेंथम मॉन्टेस्क्यू और गिलक्राइस्ट के द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन किया गया गिलक्राइस्ट ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता जनतंत्र का दूसरा नाम है लास्के ने कहा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं होता जबकि गिलक्राइस्ट ने कहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है इसका अर्थ है कि स्वतंत्रता का लाभ केवल धनवान वर्ग के द्वारा ही उठाया जाता है नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है ऐसी स्वतंत्रता जो किसी भी व्यक्ति को नागरिक होने के कारण प्राप्त होती है जीवन संपत्ति विचार अभिव्यक्ति को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है प्रोफेसर डाइसी हेनरी मैन और ऑस्टिन के द्वारा इसका समर्थन किया गया गैटल ने कहा कि नागरिक स्वतंत्रता को कानून की देन कहते हैं नैतिक स्वतंत्रता की बात करें तो इस प्रकार की स्वतंत्रता का प्रतिपादन आदर्शवादी विचारकों के द्वारा किया गया है इसका संबंध व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व के विकास से होता है और अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता की ये वो स्वतंत्रता है जिसमें राज्य के प्रति भक्ति भावना पाई जाती है धर्म भाषा संस्कृति नस्ल परंपरा और क्षेत्र विशेष के आधार पर व्यक्तियों के मध्य जब एकता की भावना का जन्म होता है तब उसे ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहते हैं मैजनी गिलक्राइस्ट मुसोलनी के द्वारा इसका समर्थन किया गया मुसोलनी के अनुसार सब कुछ राष्ट्र के अंतर्गत है राष्ट्र के बाहर या उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं होता गैटल ने कहा कि नागरिक स्वतंत्रता को कानून की देन कहते हैं नैतिक स्वतंत्रता की बात करें तो इस प्रकार की स्वतंत्रता का जे एस मिल के द्वारा कहा गया कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रवाद के मार्ग में बाधक है स्वतंत्रता व्यक्तिवाद का मूल मंत्र है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए स्वतंत्रता अनिवार्य होती है इसलिए कहा जाता है कि नागरिकों में राजनीतिक चेतना स्वतंत्रता की रक्षा की कसौटी है राज्य के प्रति भावना को राजनीतिक चेतना कहते हैं लास्की के द्वारा सतत जागरूकता का होना स्वतंत्रता का मूल तत्व माना गया है स्वतंत्रता की रक्षा के लिए विशेषाधिकारों का अंत होना चाहिए क्योंकि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अपने आप को अन्य लोगों से उच्च मानते हैं विधि के शासन की स्थापना से भी स्वतंत्रता का विकास होता है स्वतंत्रता न्यायपालिका का गठन करती है लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि किसी भी शासन की श्रेष्ठता को जांचने के लिए उसकी न्याय व्यवस्था के गुणवत्ता से बढ़कर अन्य कोई कसौटी श्रेष्ठ नहीं होती स्वतंत्र प्रेस की स्थापना भी स्वतंत्रता की रक्षा का एक अन्य साधन माना जाता है नेपोलियन ने कहा मुझे तीन हज़ार तलवारों से उतना डर नहीं लगता जितना कि तीन समाचार पत्र से लगता है मॉन्टेस्क्यू और लार्ड एक्टन के द्वारा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शक्ति पृथककरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया जिसका अर्थ है कि विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा केवल अपना कार्य किया जाएगा किसी अन्य के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा शक्ति पृथककरण का सिद्धांत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व होता है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में पाई जाती है फिलहाल आज के ऑडियो लेक्चर में बस इतना ही अगले वीडियो में हम लोग समानता की बात करेंगे तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार